गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में चैप्टर 33 ग्रोविंग अप। ग्रोविंग अप मतलब बढ़ना। ऑल लिविंग थिंग ग्रो चेंज एंड फाइनली डेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एनिमल एंड ह्यूमन बिगिनिंग ग्रो बिगर एंड टेलर विथ एज। दिस इज अ कॉल अ ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो। प्लांट ऑल्सो ग्रो एंड द इंक्रीज इन साइज एंड विथ टाइम। जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग होती हैं वो बढ़ती हैं और एक समय बाद उनकी डेड हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर लड़का बड़ा होता है, फिर वो आदमी बन जाता है, फिर ओल्ड एज में आ जाता है। इस तरीके से ये एक चक्र इस तरीके से चलता रहता है कि एक एज के बाद उनकी डेड हो जाती है। इसी प्रकार पेड़ों में भी और एनिमल्स में भी एक इस तरीके से ग्रोविंग अप चलता रहता है। ग्रोथ इन ह्यूमन बिगिन। देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन। ह्यूमन्स की कई तरह की स्टेज होती है। जैसे फर्स्ट है इन्फेंट, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ इन्फेंट। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना चल सकता है, इसको हम इन्फेंट कहते हैं। इस अवस्था को जो होती है उस समय इन्फेंट कहते हैं। फिर इन्फेंट की बात होता है चाइल्ड। आफ्टर 2 ईयर ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रो इन टू द चाइल्ड। अ चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन द इन दिस स्टेज ही शी बिकम टेल एंड स्ट्रॉन्ग विद टाइम। और जो इन्फेंट के बाद सेकेंड अवस्था आती है अपनी चाइल्ड, जो जन्म के 2 साल के बाद का जो अवस्था कहलाती है वो चाइल्ड कहलाती है। इसमें बच्चा चलता है, बोलता है, बैठता है, अपने आप प्ले करता, खेलता है, ये है ना। और इस में टेल और स्ट्रांग भी होता है। जो छोटा बच्चा होता है उससे थोड़ा सा मजबूत भी होता है। थर्ड स्टेज आती है टीनेजर। अ चाइल्ड ग्रो इन टू द टीनेजर फ्रॉम 13 to 19। मैनी चेंज की प्लेस ऑफ द स्टे। इस टीनेजर थर्ड स्टेज में, टीनेजर में 13 से लेकर 19 तक की जो अवस्था होती है वो टीनेजर कहलाती है, युवावस्था कहलाती है। इसमें कई तरह के चेंजेस भी आते हैं। फिर फोर्थ अवस्था होती है अपनी अडल्ट। टीनेजर ग्रो इनटू द यंग मैन और वुमेन इज कॉल्ड द अडल्ट। जो टीनेजर से बढ़कर हो जाते हैं वो या तो मैन कहलाते हैं या वुमेन कहलाते हैं। उसके बाद आती है ओल्ड। मैनी ईयर लेट अ यंग पर्सन एंड एडल्ट बिकम ओल्ड। द स्किन गेट रिंकल्स एंड हेयर ग्रेस ग्रे टर्न ग्रे। जो क्या बोलते हैं, एडल्ट के बाद अपनी अवस्था आती है ओल्ड। इसमें अपने चेहरे की झुर्रियां बनने लगती हैं और जो बाल होते हैं वो हमारे वाइट हो जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, आपकी दादी या नानी जो होती है उनके वाइट बाल कैसे होते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं और इस चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं। इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन एक ह्यूमन का जो ग्रोअप है, ग्रोअप द ह्यूमन इस तरीके से होता है। पहली अवस्था इन्फेंट होती है, फिर चाइल्ड होती है, फिर टीनेजर होती है, एडल्ट होती है और ओल्ड होती है। इसी प्रकार से प्लांट एंड एनिमल्स, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीड ऑफ प्लांट ग्रो इनटू द सैपलिंग। सैपलिंग ग्रो इनटू द प्लांट एंड द डिफरेंट साइज एग्जैक्टली ग्रास शर्ब्स और ट्री। जो पेड़ होता है वो भी सफरिंग करता है। जैसे पहले सबसे पहले सीड होती है, बीज होता है, बीज से वो रोप बनता है, रोप से वो पौधा बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यंग ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू अ बिग एनिमल्स। इसी प्रकार जो छोटा एनिमल्स होता है वो आगे जाके बिग एनिमल्स बन जाता है। जैसे कीटन ग्रो इनटू कैट, चिक बिकम अ हन, अ पपी बिकम अ डॉग, अ कॉग कब बिकम अ क्रो। जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर कैट बन जाता है, चिक जो होता है वो हैन बन जाती है,
पपी जो होता है वो क्या बन जाता है, डॉग बन जाता है, और कॉग जो होता है वो काव बन जाती है। इस प्रकार से ही ग्रोथ होती रहती है धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब ये ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, ये हमें शो नहीं होती, लेकिन हम बढ़ते हैं, हम उम्र के हिसाब से रोज थोड़ा थोड़ा डेली बढ़ते जाते हैं। आपने भी देखा होगा, पहले आप LKG में पढ़ते थे, उसमें आपको छोटा छोटा लिखना ABCD लिखना सिखाया जाता था, उसके बाद आप फर्स्ट में आए हो, अब आप सेकंड में आए हो। इस प्रकार से आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी क्लास की भी ग्रोथ होती जा रही है। आप बड़ी क्लास में भी, अब आप थर्ड में चले जाओगे, फिर फोर्थ में चले जाओगे, इस तरीके से आपका समय इस तरीके से निकल जाएगा कि आप बचपन से चाइल्ड में आ गए, फिर टीनेजर में आ जाओगे, फिर एक्चुअल अडल्ट में आ जाओगे, फिर ओल्ड में आ जाओगे। इस तरीके से ग्रोथ अब होता रहता है। ठीक है बेटा, अब मैं सोचती हूँ मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर की रीडिंग लगाना, नेक्स्ट अपन कल इसकी एक्सरसाइज करें। थैंक यू।